नमस्कार जी सब भाइयों को। तो जैसा कि बहुत ही टाइम से जो है डिमांड आ रही थी कि हस्की की वीडियो बनाएं या हस्की के कैनल की वीडियो बनाएं, तो आज जो है आज मैं आ चुका हूँ द ईगल आई कैनल पटियाला में। तो ये एक KCI रजिस्टर्ड कैनल है, तो यहाँ पे जितने भी हैं डॉग्स वगैरह वो भी सब KCI रजिस्टर्ड हैं, और बीच में बहुत सारे जो डॉग्स हैं वो बाहर से इम्पोर्ट भी हो रखे हैं। तो ये हमारे सामने जी प्रीतपाल जी बैठे हैं, ओनर ऑफ द ईगल आई कैनल। नमस्ते जी। नमस्ते जी, क्या हाल चाल है जी? बस जी बढ़िया। तो आगे की जो वीडियो है वो सारी हमारी प्रीतपाल जी हमें बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने कैनल को सेटअप कर रखा है, कितने सेक्शंस में डिवाइड किया है, कितने डॉग्स हैं, क्या क्या उनके लिए अरेंजमेंट है, और किस तरह से वो अपने कैनल को मेंटेन करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब ये होस्टिंग देते हैं हमारे प्रीतपाल जी को। हाँ जी, मेरा कैनल ईगल आईज कैनल जो कि KCI रजिस्टर्ड कैनल है KCI से। तो तकरीबन मेरे को इस ब्रीडिंग में काम करते हुए खुद 1994 से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे फादर साहब भी जो ग्वालियर है मध्य प्रदेश में, वहाँ टेक्नपुर जगह BSF की नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स है, वहाँ 35 साल उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह भी दी थी। तो बचपन से ही मैं मतलब डॉग देखते हुए आ रहा था और बचपन से ही शौक़ पैदा हो गया था। तो जब मैं 12th में था 1994 में, तो सबसे पहले मैंने खुद अपना एक लेबरे ख़रीदा था। तब से शौक़ बढ़ता चला गया, डॉग बढ़ते चले गए, फिर कई ब्रीड मैंने रखी, सभी मिक्स, सेंट बर्नार्ड वगैरह, लेबराडोर, जर्मन शेफर्ड। लेकिन मन था कि किसी एक ब्रीड में ही मतलब मैं अपना जो बहुत अच्छी लगे। तो 2009 में मैंने सोचा कि मैं हस्की रखूँगा। तो कई दोस्तों ने मेरे से पूछा कि हस्की को कोई जानता नहीं, कहाँ रखोगे? मैंने बोला जब रखेंगे तो सभी को दिखेगा भी। तो उस समय हस्की था भी नहीं किसी के पास। उस समय मैं एक फ़ीमेल मैंने इम्पोर्ट की थी थाईलैंड से, उसकी फ़ीमेल के बच्चे भी थे 3 साथ में। तो वो बच्चे भी मैंने तीनों घर पे रख लिए थे, 4 हो गई थी फ़ीमेल्स। उसके बाद मेल वगैरह लेके आए। अब धीरे धीरे कैनल बढ़ते बढ़ते भगवान की कृपा से आज यहाँ तक पहुँच गया। इसके आगे क्या है कि प्लानिंग ये है कि और भी मैं मतलब सेवन हस्की को और भी ज़्यादा अच्छी ढंग से और इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले महीने मेरे 6 डॉग्स और इम्पोर्ट नए आ रहे हैं, बच्चे हैं 1.5 महीने के, सारी हस्की हैं। और कोशिश यही रहती है कि अच्छा से अच्छा मैं मतलब लोगों के लिए अच्छा बच्चा प्रोड्यूस कर सकूँ। मतलब जो अभी मेरे आ रहे हैं ये 6 बच्चे, 2 कोरिया से हैं, 2 थाईलैंड से हैं, 2 रशिया से हैं। इसमें 5 फीमेल और 1 मेल आ रहा है। दो दो हैं, एक दो के माँ बाप अलग हैं, 2 के अलग हैं, 2 के अलग अलग माँ बाप हैं। और इससे पहले जो आप ये वाला डॉग भी देख रहे हो ये भी इम्पोर्ट है, ये भी कोरिया से आया था। अभी ये 3 साल का हो गया है, इसका डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 2017। मैंने यहाँ पर जो कैनल सेटअप बना रखा है अपना, ये सामने जो आप पीछे देख रहे हो ये हमारा ऑफिस है और साथ में एक स्टोर भी है। इस साइड जब चले जाएंगे तो इनके लिए मैंने किचन वगैरह, इनके खेलने के लिए प्लेग्राउंड, सर्दी के लिए अलग कमरे बने हुए हैं, गर्मी के लिए एसी वगैरह लगा के अलग कमरे बने हैं, और जहाँ पर ये बच्चे देती हैं फीमेल्स उनके लिए वो अलग बना रखा है। सभी के लिए अलग अलग सिस्टम मैंने बना रखा हुआ है। तो इनके नहाने के लिए स्विमिंग पूल तक भी बना हुआ है। अपनी तरफ से कोशिश रहती है कि इनको बड़ा प्यार से खेलते हुए मूड में रखा जाए। जैसे कि जो हमारा कैनल है तकरीबन आधा एकड़ में बना हुआ है, तो इसमें काफ़ी तरह के मैंने मतलब डिवाइड किए हुए हैं बच्चे देने के लिए अलग अलग राज्य। वो जब अंदर चलेंगे कैनल में तो मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा कि इनके क्या क्या सेक्शन हम लोगों ने बना रखे हैं। तो सारे मेरे जो डॉग्स हैं सारे केसेज रजिस्टर्ड डॉग हैं, एक भी डॉग ऐसा नहीं है कि केसेज रजिस्टर्ड नहीं है। और टोटली पप्पीज भी मैं जो बेचता हूँ वो केसेज रजिस्टर्ड बेचता हूँ, केसी के बिना बेचता ही नहीं हूँ। कोई लोग कह देते हैं कम रेट कर लो, जब वो मतलब वो काम ही नहीं हमारा। केसे बच्चा देना है, सुंदर बच्चा देना है, हेल्दी बच्चा देना है। तो उस हिसाब से थोड़ा फिर आप कैनल के अंदर चलेंगे। ये हमारा कुछ डॉग पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अकेले अकेले, वो दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले ये डॉग था हमारा, इसका नाम बादशाह रखा हुआ है बड़े प्यार से। डॉग हमारे पास 4-5 है, तो सभी का नाम, एक का नाम सम्राट है, एक का नाम सुल्तान है। कोशिश किया कि सब राजे महाराजों के जैसे नाम रखे जाएं कि उनको हम राजे महाराजों की तरह ही रख रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा डॉग जिसका नाम सम्राट रखा हुआ है, ये बहुत सारे गानों में भी शूटिंग इसने कर रखी है और KCI के बहुत सारा इसने शोज जीते हुए हैं, बहुत सारी ट्रॉफी जीत के आता रहा है। अभी ये 18 दिसंबर 2014 का है, तो अभी 7-8 साल का हो गया, इसलिए अभी थोड़ा सा इसको शो हमने करना बंद कर दिया।
बाकी पीछे थोड़ा एक डॉग के साथ झगड़ भी पड़ा था जी, थोड़ा सा दूसरे मेल के साथ थोड़ा कान में दांत लगा था, तो कान थोड़ा सा उसका खराब हो गया, लेकिन अभी हमारे कैनल की शान यही है, हमारा पुराना सम्राट। आज तक किसने हमारा बहुत नाम रोशन किया, जहाँ भी जाते हैं कभी भी नहीं हारा, हर जगह शो जीतता रहा, और भगवान की कृपा से आज भी हमारे साथ ही है और हमेशा मेरे साथ रहेगा। अब इसके बाद हम आपको अपने तीसरे डॉग के साथ मिलाएंगे। तो ये है हमारा तीसरा डॉग जिसका नाम हमने सुल्तान रखा हुआ है। कोशिश करते हैं कि सभी के राजों वाले नाम रहें, राजों की तरह रखे हुए तो राजे ही रहें। तो ये हमारा वाइट डॉग है, ये भी एक दो जगह वो भी लेकर आया है, एक दो जगह हार भी गया, सच तो सच ही है। लेकिन ये डॉग हमारा इम्पोर्ट है, कोरिया से इम्पोर्ट किया था, ब्लू आइज़ है और वाइट बच्चे ही प्रोड्यूस करता है, इसके हमेशा हमारे पास वाइट बच्चे अवेलेबल भी रहते हैं। तो काफ़ी हाइट वगैरह में ऊंचा लंबा डॉग है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कई लोगों के मन में जैसे फ़र्क होता है ना कि स्टैंडर्ड कोट और वुली कोट, तो मैं एक बार थोड़ी सी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ लोगों को कि वुली कोट कभी भी शो नहीं होता है, स्टैंडर्ड कोट ही शो होता है। अगर आपको शो वैसे जो असली हस्की है वो स्टैंडर्ड कोट में रहेगा, अगर आपको हसली चाहिए तो स्टैंडर्ड कोट लीजिए, अगर सुंदर देखने के लिए चाहिए तो आप बुली कोट भी ले सकते हो। मेरे पास बुली कोट भी है, वो बात नहीं है, लेकिन शो करना है तो आपको स्टैंडर्ड कोट ही रखना पड़ेगा। अभी हम लोग कैनल के अंदर आ चुके हैं, तो आइए थोड़ा आपको पास से दिखाते हैं। ये वाला जो सेटअप बना हुआ है सर्दियों के लिए बना हुआ है, यहाँ पर थोड़ा पंखे तो लगे हुए हैं लेकिन बंद है, अभी मौसम ठंडा हो गया तो ये सर्दी में यहाँ रहते हैं। पीछे इनके बेड भी बना रखे हैं हम लोगों ने, उसके ऊपर बैठ जाते हैं, खेलते रहते हैं। आइए साथ साथ में दिखाते हैं थोड़ा चलते हुए। ये सभी यहाँ पर ऐसे बैठे रहते हैं, देखिए साथ में थोड़ा कच्चा भी रखा रहता है, इसलिए ताकि मतलब ये खेलते कूदते रहें, कच्चे में भी आराम से दौड़ें। हर समय पक्के में रहेंगे तो पैर खराब हो जाते हैं इनके, इसलिए इनको कच्चे में खेलने का टाइम भी दिया जाता है। सुबह भी एक घंटा खेलते हैं, शाम को भी एक घंटा खेलते हैं, उसके बाद आराम भी करते हैं। दो टाइम इनको रॉयल कैनिन फीड भी दी जाती है और साथ में चिकन दिया जाता है। तो हमारे पास अभी इस समय 5 मेल और 18 फीमेल्स हैं, जिनमें से कुछ फीमेल यहाँ पर हैं और 5-6 फीमेल हमारी घर पर हैं जो प्रेग्नेंट हैं और 2 को बच्चे और रखे हैं। तो क्या होता है कि जो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जब बच्चे देती हैं, उनके लिए हमने अपने घर पर सेटअप बना रखा है। ये कैनल में है, वो अपने घर पर अलग बनाया हुआ है उनके लिए, ताकि उनकी अच्छी तरह से संभाल की जा सके। तो आगे देखिए, ये बुली कोट फीमेल भी आप देख रहे हैं अंदर घूम रही है, और ये फीमेल जो अभी आप देख रहे हो ब्लैक वाली, जिसके बाल थोड़े वो हो रहे हैं, बच्चे देने के बाद क्या होता है उसके ना थोड़े बाल झड़ जाते हैं। ये अभी अभी घर पर बच्चे देकर आई है और इसके बच्चे सेल हो गए हैं, 2 महीने के हो गए थे, तो अभी इसके बाल थोड़ा शेड हो रहे हैं, काफ़ी कंघी करते हैं फिर भी शेड होते रहते हैं। तो ये था हमारा सर्दी का प्रोग्राम, सर्दी में यहाँ पर डॉग रहते हैं और खेलते रहते हैं। एक बड़ा सारा कूलर भी लगा रखा हमने इनके लिए, कभी कभी मौसम थोड़ा गर्म हो जाता है कूलर चला देते हैं, बड़ा सारा कूलर लगा के रखा इनके लिए। चलो अब आगे आपको दिखाता हूँ थोड़ा और कैनल, दूसरे सेक्शन में आ चुके हैं। इसमें हमने कहा एक स्विमिंग पूल बना रखा है और साथ में इनको यहाँ पर ड्राई मार के सुखाया भी जाता है, ये इनका स्विमिंग पूल है। पेड़ भी लगा रखे हैं ताकि छाया वगैरह रहे, मौसम ठंडा रहे और जो खेलते कूदते रहें। ये देखिए अभी इसमें पानी नहीं डाला हुआ है, हम हर संडे को इनको नहलाते हैं, तब इसमें पानी डाल के इसको भर के इसमें इनको नहलाया जाता है, और ये सामने यहाँ पर इनको सुखाया जाता है, ये सुखाने के लिए बना हुआ है। और ये साथ ही में इधर आप देख रहे होंगे इनके लिए किचन बनाया हुआ है, जो टी फ्रिज वगैरह रखा हुआ है, इसमें चिकन रखते हैं और यहीं पर इनका जो चिकन वगैरह सारा कुछ बनता है, बर्तन वगैरह भी यहीं पर इनके धोए जाते हैं सारा कुछ, और यहीं पर इनका खाना पीना सब तैयार होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सारे कैनल के साइड में तारबंदी कर रखी है, ताकि बाहर से किसी तरह का कोई भी जानवर या कोई भी किसी तरह की कोई मतलब बात बाहर से अंदर तक ना आ सके और हमारे डॉग अंदर सुरक्षित रहें, पूरी तारबंदी की हुई है। और हमने गर्मी के लिए भी अंदर एक सेटअप बना रखा है, वो भी दिखाते हैं आपको। कैमरा भी हर जगह लगा रखा है, सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं, पूरा मतलब सिक्योरिटी टाइट। आइए आप आपको अंदर से दिखाते हैं, ये है हमारा गर्मी का सेटअप। यहाँ पर सभी अलग अलग केज बने हुए हैं, यहाँ पर पंखों का प्रबंध, एसी का प्रबंध, वेंटिलेटर वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, इसमें भी कैमरे अंदर लगे हुए हैं। और हर जगह मतलब इनके रहने के लिए देखो ढंग से पूरा प्रबंध किया गया, हर एक में बर्तन पड़ा रहता है, उसी में पानी वगैरह फीड वगैरह देते हैं ताकि पानी की कमी ना हो। ये अभी तब भी खाली है क्योंकि यहाँ पर अभी सर्दी हो गई है, तो ये गर्मी का सेटअप है। देखिए सभी तरफ से पूरा केज ऐसे लगाए हुए हैं, सब एक डॉग के लिए, एक 5x5 का एक बना हुआ है। और जैसा कि आपको पता है
कई लोगों के मन में होता है कि एसी वगैरह जो है वो गर्मी में कुछ सघन हस्की गर्मी में रह ही नहीं सकता एसी के बिना, ऐसा कुछ नहीं है, हस्की गर्मी में भी रह सकता है। लेकिन चक्कर क्या है कि हम लोग प्रोफेशनल हैं, हम चाहते हैं कि हमारे डॉग खुश रहें, मज़े में लें, गर्मी में परेशान ना हो, इसलिए एसी लगा के रखते हैं। नहीं तो कई लोग मैं देखता हूँ पंखे में रखते हैं तो पंखे में भी रह रहे हैं, कूलर में भी रह रहे हैं, वो वैसे ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे डॉग खुश रहें इसलिए मैंने एसी लगाया है। जो खुश अपने बच्चों, देखो अपने घर का फैमिली मेम्बर है, अगर उसको पालना चाहेंगे तो क्यों ना उसको, हम लोग एसी में रहते हैं, गर्मी लगती है सभी को, हम भी तो एसी में रहते हैं, तो क्यों ना फिर इनको भी अपने बच्चों के जैसे रखा जाए और एसी लगाया जाए। देखो अब ऊपर देख रहे होंगे, मैंने छत भी मतलब वो गार्डर और बाले वाली डाली हुई है ताकि जो छत गर्म ना हो, इसके ऊपर मिट्टी डाल के लगाया हुआ है ताकि गर्म ना हो और कूलिंग अच्छी रहे और आराम से सोते रहे गर्मी में। खेलने कूदने का टाइम सुबह शाम इनको दिया जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर ये अंदर गर्मी वाला सेटअप जो आपने देख चुके हैं, ये गर्मी का सेटअप था। अब आप चलते हैं, आ जाओ आगे का पार्ट देखते हैं। हमारे पास ऑल इंडिया डिलीवरी की फैसिलिटी है, पूरे ऑल इंडिया हम लोग बड़े प्यार से डॉग को, बच्चे को पहुंचा देते हैं, बाय फ्लाइट से भी पहुंचाते हैं, बाय कार से भी पहुंचाते हैं। वो जो नज़दीक है कार से पहुंचा देते हैं, दूर है तो बाय फ्लाइट से भेजते हैं। हम लोग बच्चा बेच रहे हैं 50,000 रुपये का इस समय, मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, कैसे रजिस्टर्ड बच्चा रहेगा, हेल्दी बच्चा रहेगा, पूरी पेडिग्री के साथ रहेगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हमारे पप्पी में अभी तक तो आई नहीं कभी, भगवान की कृपा से आगे भी नहीं आएगी। कोशिश ये रहती है कि अच्छे से अच्छा प्रोड्यूस करें तो आगे शायद नहीं भी आएगी, भगवान कृपा करे। तो क्या है कि अगर हस्की के बारे में, सेवन हस्की के बारे में कि कोई किसी को भी किसी तरह का भी कोई प्रश्न पूछना है किसी भी समय 24 घंटे मेरे से वो बातचीत कर सकता है, और किसी को भी कोई पप्स लेना वगैरह फ्री, जब मर्जी मेरे को कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर आ गया आपके पास डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने हमारा ईगल आइज़ चैनल देखा, आप हमें फेसबुक पर ईगल आइज़ हस्कीज़ के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं, और कोई हमारे चैनल पर आना चाहता है तो ईगल आइज़ चैनल मैप्स पे लोकेशन वर्क के भी पहुंच सकता है। हमारे पास कोई दूर नज़दीक से आएगा उसके पास, हमारे पास रहने के लिए उसके लिए कमरे वगैरह, बाथरूम लेटरिन सब बना हुआ है, और खाने का प्रबंध भी पूरा करके रखते हैं ताकि किसी को भी आने वाले को प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।